अस्सलामुअलैकुम, ये थ्री चौन फार्म के पेज से कर रहे हैं। ये है राइस का कारखाना। ये देखें बाहर लगी हुई है वेइंग मशीन। यहाँ पहले ट्राली लोड होकर जो आती है वो पहले यहाँ वज़न होती है, वज़न होने के बाद फिर यहाँ से कारखाने में जाती है। ये आप देख सकते हैं सामने ट्राली खड़ी हुई है, ये पहले वज़न होके आई है, फिर यहाँ पे वो लेबर चेक करती है। एक स्टिक होती है उसको यहाँ बम्बू बोलते हैं, वो मार के चेक करती है कि राइस का मॉइस्चर कितना है, फिर उसके बाद यहाँ से आगे जाएगी। मॉइस्चर चेक होने के बाद वो जो यहाँ के बॉस वगैरह वो बताते हैं कि मतलब बोरियों में पैक ही वहाँ लाइन में लगा दी जाए कि इसको फैला दिया जाए, अगर ज़्यादा गीली होती है फैला दिया जाता है, फिर लेबर इसको जो है सुखाती है। वो प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं अभी। अब आप ये देखते जाएं इस तरफ, अभी ये राइस मिल स्टार्ट नहीं हुई है, काम चल रहा है इसका, अभी फ़िलहाल परचेजिंग कर रही है खाली। ये देखें राइस की लॉट लगी हुई है, ये गीली है, अब इसको मजदूर फैला रहे हैं। फिर इसको फैलाने के बाद इसमें पंजे मारे जाते हैं, ऊपर नीचे किया जाता है ताकि इसका मॉइस्चर कम हो। देखें ये बोरियों की लॉट लगी हुई है, और लॉट बोलते हैं जो जमा हो रहा है सारा कारखाने में। देखें सारा टोटल चल रहा है, इनका अच्छा काम है। और यहाँ देखें, ये देखें मजदूर लगे हुए, ये सूख गई है तो भर रहे हैं, भर के वहाँ बोरियों में दोबारा रीपैक हो रहा है। और ये हमारी अपनी ट्राली है जो माल लेके आई है, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें गीला है तो इस वजह से इसको फैला रहे हैं। और ये देखें, आप देख सकते हैं ऐसे ये लेबर उतार रही है और उतार के इसको फैलाएगी। ये देखें इस तरह फैलाते हैं। ये देखें इधर ये सुखा रहे हैं लेबर, इस तरह अप डाउन करते हैं। अब ये इसको एक घंटा डेढ़ घंटा छोड़ेंगे, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर नीचे करेंगे, वेव बना देते हैं। और फिर जब ये सूख जाएगा उसके बाद वो देखें भरना शुरू कर दिया उन्होंने दोबारा। उस तरफ ये टुकड़ा सूख गया है, मॉइस्चर इसका कम हो गया, मशीन में चलने जैसा हो गया, ये लॉट हो रही है, देख सकते हैं आप। ये हमारी अपनी ट्राली है। लगे ये देखें इस बोरी को ठंड करते हैं जो गीली होती है। इसको कहते हैं मॉइस्चर मशीन। ये भाई हैं कारखाने पे जो मॉइस्चर चेक करते हैं। मशीन ने दिखा दिया मॉइस्चर, इसको रेंडमली चेक करते हैं 3 दफ़ा, 1 दफ़ा और लगा।
पकड़ो वो बोरी, 20 बोरी में से खड़ी थी। जड़े ठंडे ना उन टाइम मठे ही आता बैठे हेटा ना आते मठे वालों का वो बोरी अच्छे भी बोरी में वो ठंडे थे उन टाइम मठ में खड़ी। उड़ा वालों ना मिला है ना, उड़ा से जो खड़े उनमें ना मिला ना। अरे उड़ा तो ये बोरी जो चेक करे ना, खाली इंजो चेक करना बल लगी में नहीं। उड़ा तो हेटा से खड़े हो समझते होता ही हो गया 23।